देश के सबसे बड़े सवाल की, क्योंकि यूपी में 4 महीने बाद चुनाव, अगर आज चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। आपको बता दें कि इस सर्वे में यूपी उत्तराखंड के 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। ये सर्वे 4 सितंबर 2021 से 4 अक्टूबर 2021 के बीच किया गया। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, यहाँ की 403 विधानसभा की सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि इस बार यूपी में क्या होगा, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है। लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो यूपी में किसकी सरकार बनेगी, प्रदेश की जनता किसे चुनेगी, ये जानने और समझने के लिए एबीपी सी वोटर ने जनता के बीच जाकर लोगों के मूड को समझा, जिसमें सबसे बड़ा सवाल उन मुद्दों का था जिस पर आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता वोट करेगी। जब हमने जनता से पूछा कि यूपी में वो कौन से मुद्दे हैं, तो जनता ने 5% भ्रष्टाचार का मुद्दा बताया, तो वहीं सबसे बड़ा मुद्दा 30% बेरोजगारी को बताया, 25% महंगाई को मुद्दा बता रहे हैं, तो वहीं 3% लोगों ने किसानों से जुड़े मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया, 12% लोगों का कहना है कि महामारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो वहीं 16% लोगों ने अन्य मुद्दे बताए। लेकिन 9% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब यूपी में जनता के लिए बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे हैं। वहीं हमने जब जनता से पूछा कि वो यूपी सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, तो 40% लोगों ने कहा कि वो बहुत संतुष्ट हैं, वहीं 22% लोगों ने कहा कि वो सिर्फ संतुष्ट हैं, तो वहीं 35% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन 3% लोग ऐसे भी थे जिनका कहना है कि हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद हमने पूछा सूबे में सीएम पद का पसंदीदा चेहरा कौन सा है, जिस पर 41% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सीएम पद का पसंदीदा चेहरा बताया। वहीं 31% लोग अखिलेश यादव को सीएम पद का पसंदीदा चेहरा मानते हैं। 17% लोगों ने मायावती को सीएम पद का पसंदीदा चेहरा बताया। 4% लोगों ने कहा कि वो प्रियंका गांधी को सीएम पद का पसंदीदा चेहरा मानते हैं। वहीं 2% लोगों ने कहा कि वो जयंत चौधरी को सीएम पद का पसंदीदा चेहरा मानते हैं, तो वहीं 5% लोगों ने अन्य को सीएम पद का पसंदीदा चेहरा बताया। यानी सीएम योगी अभी भी सीएम के तौर पर जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। इस सवाल के बाद हमने जनता से पूछा कि चुनाव में किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि अगर आज चुनाव हुए तो हमारे सर्वे के मुताबिक यूपी में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 241 से लेकर 249 सीटें आ सकती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों की 130 से 138 के बीच सीटें आ सकती हैं, तो वहीं बसपा की 15 से 19 सीटें आने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस की 3 से 7 सीटें आने का अनुमान है, जबकि अन्य 0 से 4 सीटों तक सिमट कर रह सकते हैं। सर्वे के मुताबिक यूपी में भाजपा बहुमत के आंकड़ों को आसानी से छूती नजर आ रही है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 41.3% वोट मिल सकते हैं, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर 32.4% वोट मिल सकते हैं, बसपा के खाते में 14.7% वोट जा सकते हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 5.6% वोट आ सकते हैं, जबकि 6% वोट अन्य दलों के खाते में जा सकते हैं। वोट प्रतिशत में भी भाजपा आगे है, लेकिन इस वोट प्रतिशत की अगर सितंबर महीने से तुलना की जाए तो इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। इसे हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सितंबर 2021 के सर्वे के मुताबिक 41.8% वोट मिलने जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 का सर्वे बताता है कि 41.3% वोट भाजपा और उसके सहयोगी दलों को जा सकते हैं, यानी -0.5%। वहीं समाजवादी पार्टी उसके सहयोगी दलों की बात करें तो सितंबर 2021 का सर्वे बताता है कि 30.2% वोट मिल सकते थे, लेकिन अब अक्टूबर 2021 का ताजा सर्वे बताता है कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 32.4% वोट जा सकते हैं। वहीं बसपा की अगर बात करें तो सितंबर 2021 का सर्वे बताता है कि 15.7% वोट बसपा के खाते में जा रहे थे, लेकिन अब अक्टूबर 2021 का सर्वे बताता है कि बसपा के खाते में 14.7% वोट जा सकते हैं। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो सितंबर 2021 का सर्वे बताता है कि 5.1% वोट कांग्रेस के खाते में जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 का ताजा सर्वे बताता है कि कांग्रेस के खाते में 5.6% वोट जा सकते हैं।
वहीं अगर बात अन्य की जाए तो सितंबर 2021 के सर्वे के मुताबिक 7.2% वोट अन्य दलों के खाते में जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 का ताजा सर्वे बताता है कि 6% वोट अब अन्य पार्टियों के खाते में जा सकते हैं। मतलब एक महीने में जहां भाजपा की ग्राफ में 0.5% की कमी आई है, जबकि समाजवादी पार्टी 2.2% बढ़ती नजर आ रही है। ध्यान रहे, ये एक महीने का अंतर है, आने वाले दिनों में ये अंतर और भी ज्यादा बढ़ या घट सकता है, लेकिन अभी स्थिति एकदम भाजपा के साथ नजर आ रही है। न सिर्फ सीएम की पसंद के तौर पर योगी, बल्कि भाजपा की सरकार भी बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।